आज हम बात करने वाले हैं मिरर्स मूवी के बारे में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आप सभी का स्वागत है। मूवी के बारे में बात करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो आप सबके रिक्वेस्ट पर मैं एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ मिरर 2008 मूवी का, जो कि मेरे ख्याल से 2013 में आई, जो ऑक्यूल्स मूवी से काफी ज्यादा सिंपल है लेकिन काफी इफेक्टिव भी है। अब वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इस फिल्म के मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, क्योंकि कैरेक्टर्स फिल्म के बीच में कभी भी एंट्री ले सकते हैं। तो सबसे पहले है बेन कार्सन, एक फार्मर अंडरकवर डिटेक्टिव, जिसकी बीवी एमी कार्सन जो कि एक डॉक्टर है। इनके बच्चे माइकल और बीवी कार्सन एंजेला बेन की बहन एक बार में काम करती है, और आखिर में एना एसेकर। इसे दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। मिरर मूवी की शुरुआत होती है एक व्यक्ति को दिखाते हुए जो किसी चीज से बचकर भाग रहा है। ये व्यक्ति एक लॉकर रूम में छुपते छुपते जाता है, लेकिन वहाँ से ये बाहर नहीं आता, और तभी लॉकर रूम से सारे लॉकर अपने आप ही खुल जाते हैं, सिर्फ उस व्यक्ति के रिफ्लेक्शन को दर्शाते हुए। अब उसके डरावने सपने से भी खतरनाक चीजें होने लगती है जब वहाँ के सबसे बड़े मिरर में क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वो मिरर के पास जाता है, मिरर के सामने ये व्यक्ति खूब माफी मांगता है, मिरर को साफ करने लगता है, लेकिन फिर भी मिरर का चटकना कम नहीं होता। अब मिरर से एक टुकड़ा नीचे टूटकर धरती पर गिर जाता है, और टुकड़ों को उसी मिरर में लगाने की इच्छा से वो उस टुकड़े को उठाता है, लेकिन तभी एक भयानक नजारा हमको दिखाई देता है कि मिरर में दिख रही किसी व्यक्ति की रिफ्लेक्शन इसी टुकड़े से खुद के ही गले में नुकसान पहुंचा रही है, जबकि असल दुनिया में कोई भी मिरर का टुकड़ा इसके हाथ में हमको नजर नहीं आता। अब कुछ समय बाद एक व्यक्ति बेन कार्सन, एक पूर्व अंडरकवर डिटेक्टिव जिसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था क्योंकि बेन ने एक पुलिस ऑफिसर को मार दिया था, बेन मजबूर हो जाता है एक डिपार्टमेंट स्टोर पर नाइट शिफ्ट जॉब करने के लिए, जहां पर बहुत ही भयानक आग लग गई थी। ये डिपार्टमेंट स्टोर किसी जमाने में साइकेट्रिक हॉस्पिटल हुआ करता था, जहां पर स्किजोफेनिया का इलाज किया जाता था 1952 में। अब जिन लोगों को स्किजोफेनिया के बारे में नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें इंसान की सोचने की, फील करने की और बिहेव करने की एबिलिटी पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इस डिसऑर्डर का जिक्र मैंने क्रूजी फिक्शन मूवी के एक्सप्लेनेशन में भी किया है, और उस मूवी का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक मास किलिंग हुई थी जिसके कारण ये इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया था और दुनिया से छुपा दिया गया। ऐसा होने के कुछ वक्त बाद इसको एक लग्जरी डिपार्टमेंट स्टोर में बना दिया गया था, जिसका नाम रखा गया था मैं फला डिपार्टमेंट स्टोर। इस जगह के सिक्योरिटी गार्ड से बात करने पर वो बेन को सारी जगह दिखाता है, पर इतनी पुरानी जगह पर इतने साफ सुथरे मिरर को देखकर बेन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। सवाल करने पर सिक्योरिटी गार्ड ये बताता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति काम किया करता था जो कि इन मिरर को साफ करने को लेकर बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड था, और उसका ही रिप्लेसमेंट में आपको रखा गया है। बेन अपनी बहन एंजेला के साथ ही रह रहा था क्योंकि नौकरी से निकाले जाने के बाद बेन की वाइफ एमा बेन से अलग हो गई थी। इसी कारण से बेन बहुत प्रेशर में था जॉब को अपने पास रखने का। बेन की ड्यूटी का पहला दिन शुरू होता है, और पहले ही दिन बेन एक दरवाजे को खुला हुआ मिरर के रिफ्लेक्शन में देखता है, लेकिन असल दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बेन को कुछ भी नजर नहीं आता। अब आने वाली रात तक बेन को और भी खतरनाक विजुअल दिखाई देते हैं, जिनको वो हेलुसिनेशन मान रहे जाते हैं, क्योंकि बेन एक बहुत ही खतरनाक ड्रग्स की टैबलेट ले रहा था, और ऐसा मूवी के कई सीन्स में हमको दर्शाया गया है। अब बेन को एक रात मिरर के ऊपर किसी की हथेली के फिंगरप्रिंट दिखाई देते हैं। बेन मिरर को क्यूरियस होकर देखता है और टच करता है। मिरर फिर से चटकने लगता है और बेन की हथेली पर एक घाव बन जाता है। बेन को ऐसा महसूस होता है कि किसी ने उसके ऊपर पूरे शरीर में आग लग रही है। इसके बाद बेन को एक गैरी लुइस के नाम के एक व्यक्ति का वॉलेट मिलता है। जी हाँ दोस्तों, गैरी वही व्यक्ति है जो मूवी के बिल्कुल शुरुआत में दिखाया गया था, और ये सब कुछ एक्सप्लेनेशन करता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। जिस रात गैरी की मौत हुई थी उसी रात बेन को इस जॉब पर रखा गया था। अब बेन को उसी वॉलेट से एक नोट मिलता है जिस पर लिखा था ऐसे कर, और स्टोर पर हुए हादसे के विक्टिम भी बेन को नजर आने लगते थे। एक औरत जो कि बुरी तरह से जली हुई थी दूर रैमी के घर में, माइकल यानी उसके बेटे को भी यही सेम औरत नजर आती है, और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। पर रैमी इन बातों पर यकीन ना करते हुए माइकल को सुला देती है। अब उसी दिन बेन अपनी बहन एंजेला से ये सब डिस्कस करता है, लेकिन इन सब पर उसका बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, तो वो ये कहती है कि स्ट्रेस के कारण ये सब हो सकता है। आगे चलते हुए बेन गैरी लुइस का एक पार्सल मंगवाता है जिसके अंदर उस जगह के बारे में काफी सारी जानकारी थी, और वहाँ पर उसको नजर आता है कि हादसे में कम से कम 28 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 75 से ज्यादा लोग घायल हुए। इन सब के बारे में बेन सीधा एमी के पास जाता है। गैरी लुइस की बॉडी को देखने एमी मान जाती है। स्पॉट पर ली गई फोटो को देखकर बेन को नजर आता है कि फोटो में मिरर के रिफ्लेक्शन में टूटे गए ग्लास पर तो खून लगा हुआ है, पर असल दुनिया में ऐसा नहीं था। इस बात से बेन तो 100% श्योर हो गया था कि मिरर्स ही है जो इंसानों को वो करने पर मजबूर कर रहे हैं वो करना नहीं चाहते। अब एंजेला बाथरूम की मिरर खुद को देखती है और उसके
उसके रिफ्लेक्शन वही रुक जाती है। वो नहीं रो रही थी, वो नहा रही होती है, रिलैक्स हो जाती है, लेकिन बाथरूम के मिरर में उसके रिफ्लेक्शन अपना जॉ तोड़ने लगती है। और असल दुनिया में भी सेम चीज होती है, जिसके कारण एंजेला की भी मृत्यु हो जाती है। अगली सुबह अपनी सिस्टर के ऐसी हालत को देखकर बेन गुस्से में सीधा जाता है और उससे स्टोर में, और सारे मिरर्स पर गन शॉट्स बरसाने लगता है। लेकिन मिरर बार बार खुद को ठीक कर लेते हैं कि जैसे उन पर कोई भी नुकसान नहीं हुआ हो। बेन चिल्ला चिल्ला कर पूछता है कि क्या चाहते हो तुम। तभी एक वर्ड फिर से निकल कर आता है कि ऐसे कर। बेन इसे भी इन्वेस्टिगेट करता है और एक नाम निकल कर आता है, एना एसेकर, जो कि यहाँ के फार्मर हॉस्पिटल की एक पेशेंट रह चुकी थी। बेन को पता लगता है कि एना की मौत मास किलिंग में हो गई थी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स को परखने पर वो देखता है कि मास किलिंग से दो दिन पहले ही एना को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया था। अब एंजेला की मौत के बाद के से बेन को अंदेशा हो गया था कि अगर उसने एना को नहीं ढूंढा तो मिरर उसकी फैमिली को भी मार देंगे, यानी कि एमी और उसके बच्चों को। बेन एमी के घर जाता है और पूरे घर में मिरर्स पर पेंट करने लगता है, ये सोचकर कि उसकी फैमिली सेफ रह हो जाएगी। एमी ये देखकर सोचती है कि बेन एक मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रहा है। बेन एमी को मिरर में कुछ दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज को रेप्लिकेट ही नहीं कर पाता और फ्रस्ट्रेट और एम्बेरस होकर चला जाता है। एमी को माइकल के रूम में कुछ आवाजें आती है, अंदर जाकर देखने पर माइकल के रिफ्लेक्शन एमी को देखकर हंसने लगती है और एमी को बेन पर विश्वास हो जाता है। इन सब के बारे में एमी बेन को बताती है और बेन तुरंत घर वापस आता है। वापस आने पर एमी और बेन दोनों मिलकर सारे मिरर को फेंक देते हैं और फिर पेंट कवर कर देते हैं। अब बेन सीधे जाते हैं एना ऐसे करके घर, वहाँ एना तो नहीं होती, लेकिन उस घर का ओनर बेन से कहता है कि ना यहाँ कोई ये मिरर में अजीब चीजें दिखाई देती है और ना ही सुनाई देती है, इसलिए उन्हें एना को डॉक्टर के यहाँ पर छोड़ दिया था। वहाँ पर डॉक्टर ने एना का इलाज एक मिरर से गिरा हुआ रूम में किया था। एना के अंदर जो कुछ भी था वो उस मिरर के अंदर चला गया। उसके बाद एना को एक कॉन्वेंट में भेज दिया गया था जहाँ पर मिरर ही नहीं होते। बेन सीधा कॉन्वेंट जाता है और वहाँ पर एना बताती है कि उसके अंदर एक डीमन का वास था जिसको डॉक्टर नहीं समझ पाए। एना कहती है कि डॉक्टर को लगा कि स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज हो चुका है, लेकिन वो डीमन जो भी था उसने मिरर में खुद को डाल लिया था और वो डीमन उन मिरर के कैप्चर हो गए थे। अब बेन एना के सामने भीख मांगने लगता है कि प्लीज डिपार्टमेंट स्टोर पर चलिए, नहीं तो ये डीमन उसकी फैमिली को मार देंगे, लेकिन एना मना कर देती है। अब इसी बीच बेन की फैमिली पर अटैक होता है। माइकल का मानना था कि ये डीमन उसका फ्रेंड है। माइकल ने पूरे घर का मिरर को पेंट उतर दिया था और पूरे घर के पानी के टेप को ओपन कर दिया था, और आप जानते हैं कि पानी में भी रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। अब माइकल को ढूंढने के चक्कर में बाथटब में ही एमी को ढकेल दिया जाता है उस शक्तिशाली फोर्स के द्वारा। इसी बीच एमी की रिफ्लेक्शन उसकी बेटी डेजी को नुकसान पहुंचाने लगती है, पर किसी तरह से एमी अपनी बेटी को बचा लेती है। एमी सीधा फोन करती है बेन को और बेन बंदूक दिखाकर एना को अपने साथ डिपार्टमेंट स्टोर में ले जाता है। एना मिरर रूम में एंटर करती है और कहती है कि मुझे टाइटल चेयर से बांधो और बाहर चले जाओ। अब दूसरी तरफ एमी को माइकल मिल जाती है पानी से खेलते हुए, लेकिन जैसे ही एमी उसके पास जाती है माइकल पानी के अंदर चला जाता है और वहीं पर मिरर वर्ल्ड में ट्रैप हो जाता है। अब सीन चेंज होकर सीधा आता है उस स्टोर के पास, और एना जैसे ही अपने आंख उस मिरर में खोलती है तो वो तुरंत पोजेस्ड हो जाती है और सारे के सारे मिरर एक्सप्लोर हो जाते हैं। बेन मिरर वाले रूम में वापस आता है और वो डीमन एना के रूप में इधर उधर फिरता है और बेन पर अटैक करने लगता है। बेन गन से फायर करता है लेकिन कुछ भी नुकसान उस डीमन को नहीं होता। अब बेन एक गैस के टूटे हुए पाइप से उस डीमन को जकड़ लेता है और वहाँ आग लगा देता है अपने फायर शॉट से, और उस डीमन की मृत्यु होते हुए देखी जाती है। और इसी बीच पूरी बिल्डिंग जल जाती है और शायद बेन की मृत्यु हो जाती है। एमी के घर सब कुछ ठीक हो जाता है और माइकल मिरर वर्ल्ड की दुनिया से बाहर आता है, क्योंकि एमी ने उसके हाथ नहीं छोड़ा था और सीपीआर के जरिए वो उसके जान बचा लेती है। और फाइनल सीन में हमको दिखाया जाता है कि बेन उस बिल्डिंग से बाहर आ रहा है, लेकिन बाहर आने पर वहाँ पर पुलिस, फायरमैन और बहुत सारे लोग जो थे वो कोई भी बेन को नोटिस नहीं करता। बेन को एहसास होता है कि कुछ तो गलत है। वो आसपास देखता है और उसके जैकेट के ऊपर जो बैच था वो मिरर वे में लिखा हुआ था। पुलिस भी मिरर रिफ्लेक्शन में जैसा लिखा था वैसा ही दिखाई देता है। बेन को पता चलता है कि उसकी मौत हो गई है और अब वो मिरर वर्ल्ड में फंस चुका है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये था कि मिरर वर्ल्ड डीमन कर्स अभी तक खत्म नहीं हुआ था। और तभी बेन मेक मिरर पर हाथ लगाता है और तभी हम व्यूअर्स को असल दुनिया में दिखाई देता है कि उस मिरर पर एक हथेली का निशान है, और बस यही पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यही थी मिरर मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ सवाल या सुझाव हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ऐसे ही मजेदार मूवीज की स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।